हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। एंड आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइक काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि है इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड। सो काफ़ी लोगों को क्वेश्चंस रहता है कि किस तरीके से आप मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड इसमें से कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है, कौन से स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा बेस्ट एप्लीकेशन है जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अपना एक इनकम या फिर आप एक तरीके से काफ़ी अच्छा आप रिटर्न ले सकते हो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट का, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं कवर अप करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस तरीके के वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, राइट। एंड अब चलते हैं, बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप इस तरीके की वेबसाइट में एक आ सकते हो, ठीक है। आप डायरेक्टली गूगल में जाओगे, यहाँ पर आप सर्च करोगे HDFC कंपाउंड कैलकुलेटर। तो सबसे पहले एक तरीके से मैं ओवरव्यू दे दूँ कंपाउंड कैलकुलेटर होता क्या है, ठीक है। तो आपने बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन आपने भी यूज़ किया होगा इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, जैसे कि अपस्टॉक्स हुआ या फिर जीरोदा हुआ या फिर लाइक आप एंजल ब्रोकिंग हुआ, एंजल वन हुआ, ठीक है। तो एंड ग्रो एप्लीकेशन, तो काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन मार्केट में है जहाँ पे जो है आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि SIP करो या फिर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, IPO में इन्वेस्ट करो। तो ये सारे फैसिलिटीज़ जो है आपको इस तरीके के ब्रोकिंग फर्म्स में या फिर लाइक इस तरीके के आपको प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएगा, जैसे कि अपस्टॉक्स या फिर जीरोदा या फिर लाइक एंजल ब्रोकिंग। तो मैं करेंटली जो है अपस्टॉक्स यूज़ करता हूँ, काफ़ी ईयर्स हो गए हैं मुझे अपस्टॉक्स यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एंड काफ़ी अच्छा मुझे लगता है इंटरफेस एंड प्लेटफॉर्म, काफ़ी अच्छा समझ में भी आता है, तो मैं अपस्टॉक्स ही यूज़ करता हूँ। एंड अभी तक करेंटली कोई भी अगर सपोज अपस्टॉक्स का डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे डीमैट अकाउंट अपना ओपन कर सकते हो, ठीक है। एंड अब चलते हैं यहाँ पे HDFC कंपाउंड कैलकुलेटर होता क्या है। तो बेसिकली HDFC कंपाउंड कैलकुलेटर होता है कि आपका इंटरेस्ट, ठीक है, अगर सपोज आप साल का 2 लाख इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है। जैसे कि अगर आप 20% आपको इंटरेस्ट मिलता है साल का 2 लाख इन्वेस्ट करने के लिए करने से, तो आप दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40,000 रुपीज़ ईयरली। एंड 2,40,000 रुपीज़ जो है कंपाउंड ये होता है, मतलब कि आज अगर सपोज आपने 1 साल में 2 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, उसका इंटरेस्ट आपको 40,000 मिला, तो अगला साल फिर से आप इन्वेस्ट करोगे 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ पे जो है टोटल आपका 4,40,000 पे जो है आपको इंटरेस्ट मिलता है। 4,40,000 पे अगर आप 20% कैलकुलेट करने जाते हो तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 88,000 के आसपास आपका रहता है, ठीक है। दैट इज ईयरली आपको 88,000 आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा इन फ्यूचर आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एंड जहां मैंने बोला जिनको भी नहीं पता कि कहां पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आप अपस्टॉक्स में या फिर लाइक एंजल ब्रोकिंग, जीरोदा, कहीं पर भी आप लाइक अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लाइक आप मेरे चैनल में जा सकते हो, वहां पे आप सर्च कर सकते हो हाउ टू ओपन डीमैट अकाउंट इन अपस्टॉक्स। तो मैंने 2-3 वीडियो ऐसा डाला हुआ है, ठीक है, अपडेटेड वर्जन में भी एंड ओल्डर वर्जन में भी, ठीक है। तो अपडेटेड वर्जन वाला आप वीडियो देख लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको सारा समझ में आ जाएगा कैसे डॉक्यूमेंट अपडेट करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं चल जाता हूँ कंपाउंड कैलकुलेटर में। तो सपोज अभी एक तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं, आप करेंटली जो है आपका कोई भी एज हो, आपका सैलरी करेंटली अगर सपोज ऑन एन एवरेज 50,000 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है। एंड अगर 50,000 रुपीज़ पर मंथ है आपका सैलरी, तो यहाँ पे जो है आप अगर सपोज बैचलर, ये डिपेंड करता है आप कितना इन्वेस्ट करोगे। इफ़ यू आर अ बैचलर, यू आर लिविंग इन अ सिटी लाइक भोपाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर लाइक झारखंड, रांची, इस तरीके का अगर आप स्टेट में आप लाइक रहते हो, ठीक है, बिहार, झारखंड, इस तरीके, तो आप अगर 50,000 भी कमा रहे हो तो उसमें आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। मे बी 30,000 रुपीज़ आप तक इन्वेस्ट आप इजिली कर सकते हो अगर आप बैचलर हो तो, इवन मोर, ठीक है। बट अगर आप सिटी रहते हो जैसे कि लाइक मुंबई या बैंगलोर, ठीक है, या दिल्ली, तो यहाँ पे जो है आपको रेंट, इवन लाइक आपका एक्सपेंडिचर्स लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट, ये सारे जो है ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट क्या है कि थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप हो सकता है कि 50% आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 25,000 आई थिंक सो इज़ मोर देन इनफ फॉर अ सिटी इन बैंगलोर। आई टू स्टे हियर इन बैंगलोर, तो मतलब कि यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 20-25,000 में काफ़ी अच्छा एक लाइफ ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप 25,000 होप सो अगर सपोज आप इन्वेस्ट कर सकते हो 25,000 रुपीज़, तो आप 25,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करो पर मंथ, ठीक है। एंड अगर सपोज आप 10 ईयर, अगर सपोज आप एक अभी करेंटली बैचलर 20-22 एज या 24 चल रहा है आपका एज, मैक्स टू मैक्स आप 10 ईयर्स का आप हो सकता है कि आप इन्वेस्ट करो कोई भी पैसा,
ठीक है, तो अगर आप 10 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करते हुए पैसा, तो एंड आप यहाँ पे 11th ईयर में जो है आप वो पैसा विड्रॉ करना चाहते हो, ठीक है, तो मतलब कि आप 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एवरी ईयर जो है आपको इन्वेस्ट करना है, एवरी मंथ आपको इन्वेस्ट करना है 25,000 25,000, ठीक है, एंड 10 साल तक, एंड 11th ईयर में जो है आप जो है ये पैसा अगर निकालते हो, ठीक है, तो एंड यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे भी होते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको 3 साल का लॉकिंग पीरियड, मतलब कि 3 साल तक जो है आप पैसा निकाल नहीं सकते, या फिर 5 साल के लिए पैसा आप निकाल नहीं सकते हो, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स में भी है जो कि आप लाइक ऐसा कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है, आप लाइक 1 महीना के बाद भी आप विड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको कोई नेसेसरी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप कर सकते हो वैसे, ठीक है, तो उस तरह म्यूचुअल फंड्स आप सर्च कर सकते हो। एंड यहाँ पे जैसे मैंने बताया 10 साल तक आप 25,000 सपोज आप इन्वेस्ट करते हो, एंड 11th ईयर में आप यहाँ पे निकालते हो, तो नॉर्मल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आपको मिलता है म्यूचुअल फंड्स में वो है 20%, ठीक है, तो मुझे ऑन एन एवरेज लास्ट ईयर मैंने ICICI में इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड्स में, तो ऑलमोस्ट 24% तक का रिटर्न मिला था, दैट इज समवेयर अराउंड अच्छा खासा लाइक इंटरेस्ट मिला था मुझे, तो 18 to 24 या उससे ज़्यादा भी आपको इजीली मिल सकता है, बट वही है आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ेगा कि किस म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना है। इवन स्टॉक मार्केट आर वेरी गुड, बट उसमें काफ़ी सारा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तभी जाके आप कोई स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आपका जो भी पैसा है वो डूबने का काफ़ी लाइक हाई चांस रहता है कि डूब सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया 25,000 rupees आप इन्वेस्ट करते हो 10 साल के लिए, 11th ईयर में आप पैसा निकाल लेते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको पर ईयर मिलता है वो है 20%, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 11 ईयर में जो है आप टोटल 30 lakh rupees जो आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, टोटल आप 11 ईयर्स में जो है 30 lakh rupees आप इन्वेस्ट करते हो, एंड यहाँ पे जो आपको पैसा मिलेगा वो है 1.19 CR, ठीक है, अगर साल का मैं ये कैलकुलेट करूँ तो ये समवेयर अराउंड 3 or 4 lakhs आई थिंक सो होता है, अगर आप साल का 3 या 4 lakh rupees भी इन्वेस्ट करते हो तो काफ़ी आगे, चलो मैं ईयरली एक बार प्लान देख लेता हूँ, अगर सपोज मंथली आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, आप ईयरली इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मैं ऑन एन एवरेज 4 lakh ले लेता हूँ, ठीक है, तो 4 lakh अगर आप ईयरली इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 40 lakh rupees आप इन्वेस्ट करते हो एंड 1.5 CR आप कर लेते हो, यहाँ पे 3 lakh में चल जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1.1 CR मतलब 1 CR तक आपके पास एक वेल्थ हो जाता है एट द एज ऑफ लाइक 10 years 11 years के बाद, ठीक है, एंड उसके बाद जो है आप लाइक एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग आपको करना पड़ेगा, कुछ भी आप जो है फ्री में ले सकते हो, ठीक है, 10 साल के बाद आपके पास ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि आप कुछ भी चीज़ फ्री में ले सकते हो, कैसे फ्री में ले सकते हो, ये 1.1 CR 1.4 CR जो भी है 1.14 CR, ठीक है, अगर आपके पास 11th ईयर में 1 crore 10 lakh rupees या फिर 1 crore 14 lakh rupees अगर आपके पास होता है, ऑन एन एवरेज 1 CR है आपके पास 1 crore, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11th ईयर अगर आप पैसा एक साल भी एक एक्स्ट्रा साल आप छोड़ देते हो, 11th ईयर में आप नहीं निकालते हो पैसा, आप 12th ईयर में मतलब एक साल भी आप एक्स्ट्रा छोड़ देते हो तो यहाँ पे 1.14 CR है, एक साल भी आप एक्स्ट्रा छोड़ देते हो तो यहाँ पे आप देखो 1.37 CR हो जाता है वो पैसा, ठीक है, डिफरेंस अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे समवेयर अराउंड 20-23 lakh के आसपास आप ईयरली आप यहाँ पे जनरेट कर रहे हो एवरी ईयर, ठीक है, 23 lakh rupees आपने एक साल में यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किया, ठीक है, 23 lakh मीन्स इन द सेंस अप्रॉक्सीमेटली 2 lakh rupees अ मंथ, और 2 lakh rupees अगर आप लाइक पर मंथ अगर फ्री में आपके पास आ रहा है, ठीक है, दैट मीन्स लाइक आप कुछ भी यहाँ पे आप खरीद सकते हो, बीइंग इन इंडिया इज अ वेरी गुड अमाउंट 2 lakh rupees अ मंथ, ठीक है, आप कुछ भी खरीद सकते हो एंड दैट टू फ्री में, ठीक है, तो इस तरीके का एक तरीके से आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि उनका सैलरी जो है अगर 50,000 rupees होता है तो इन्वेस्ट करते हैं 5,000 बट खर्चा होता है 45,000, अगर आप आपके पास कोई भी फैमिली नहीं है, आप बैचलर हो तो आप बिंदास आप इन्वेस्ट करो, ठीक है, यू कैन इन्वेस्ट लाइक यू गेट मैरिड इन 28-30 बट यू ट्राई टू इन्वेस्ट लाइक 5 to 6 years इन द मिडल, अगर आप 22 या 24 के एज में आप अर्निंग स्टार्ट कर दिए, ट्राई टू इन्वेस्ट मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है, अगर आपका सैलरी 50,000 है तो ट्राई कि आप कम स्पेंड करो, ठीक है, एंड ट्राई टू मैक्सिमाइज योर सेविंग्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 50% 60% आई थिंक सो इज लाइक मिनिमम यू कैन यू शुड इन्वेस्ट
अगर सपोज आप एक बैचलर हो, ठीक है, अगर आपका सैलरी 20,000-30,000 रुपीज़ है, देन लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इन्वेस्ट, ठीक है, बिकॉज इतना पैसा आपका चला जाता है रेंट पे ही, या फिर लाइक आपका चला जाता है वो लाइक ट्रैवलिंग कॉस्ट या फिर लाइक फूडिंग ये सब के लिए आपको चला जाता है। बट अगर सपोज आपका है लाइक यू कैन यू आर अर्निंग 50,000-40,000 रुपीज़, तो आप हो सकता है 20,000-30,000 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो अभी से, क्योंकि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा एट द एज ऑफ लाइक 32-33 जो है, काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ पे आ जाएगा। एंड आप जो है उसके बाद प्लानिंग कर सकते हो कार का, या फिर लाइक आप लाइक बाई कर सकते हो एक हाउस, ठीक है, एंड दैट विल बी लाइक ऑल्सो लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, ठीक है। एंड वो मैं आगे आपको, अगर सपोज आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी लाइफ में कार या फिर लाइक आप अपने लाइफ में लाइक होम या कुछ भी जो भी आपको लाइक चाहिए आपका लाइफ में, आप फ्री में कैसे आप अर्न कर सकते हो, कैसे आप खरीद सकते हो फ्री में, ठीक है। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैं सब कुछ इस पर्टिकुलर वीडियो में बताता हूँ मैं, ठीक है। तो आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हो कि जो भी नया वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा वो आप अपडेटेड रहो उस पर्टिकुलर टॉपिक में, एंड आप भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये वीडियो मैं लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।